वेलकम टू द यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन हथेजी अहमदपुर ईस्ट। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग लेक्चर्स बाकायदगी से ले रहे होंगे। और अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो हमने इस चैप्टर की जो हमने एक्सरसाइज करनी है 1.4, उसका हमारे पास आज लास्ट लेक्चर है। यानी कि इस चैप्टर का बेसिकली हमारे पास क्या है, लास्ट लेक्चर है। और इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे कि पेपर वो पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास, यानी कि पेपर में, यानी कि बोर्ड के पेपर में जो पिछली आई होंगी आपके पास ऑब्जेक्टिव्स, इसके अलावा जो डिफरेंट बुक्स में ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो सारी डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे, उसको डिस्कस भी करेंगे कि ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व कराऊंगे ताकि आप लोगों को पेपर में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, थ्योरी हमने सारी पढ़ ली है, आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। और फिर जब ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे तो उसको आप नोट करते जाइएगा ताकि आपके पेपर में आपके क्या हो जाए, काम आ जाए। ठीक है, आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है और 1.4 के हमने 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, 4 से लेकर आगे हमने नेक्स्ट 6 तक करने हैं जिसमें हमारे पास अननोन दिए होंगे। पहले में था कि हम कंटिन्यूटी चेक करते थे, इसमें यह है कि कंटिन्यूटी या फिर लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है, ये कंडीशन हमें दी होगी, उस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने अननोन की वैल्यू निकाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का, क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक करने हैं आज हमने। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास हमें गिवन है एक्स प्लस टू, अगर एक्स लेस देन इक्वल टू क्या है -1, और अगर एक्स ग्रेटर देन -1 है तो उस पर क्या आ रही है सी प्लस टू। सेम उसी तरह ये एक पीस वाइज फंक्शन है, सी की वैल्यू आपने क्या करना है फाइंड आउट करनी है, सी यहाँ पे अननोन है और लिमिट ऑफ द फंक्शन एक्स अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप लोगों को पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। और इसी को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो मैंने नीचे अंडरलाइन ये किया हुआ है कि इसी को हमने यूज़ करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन की लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ये आपने पहले लाइन में लिखी है, देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। देयर फोर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गया। आपने इसको क्वेश्चन को नाम दे दिया क्योंकि हमने आगे इसे यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल लिख लें, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लें जो मर्जी लिख लें। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अपोजेस टू -1 नेगेटिव, -1 नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन -1, और लेस देन -1 के लिए आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, पहली लाइन पहला वाला जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स प्लस टू इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू -1। आप लोगों के पास बुक में भी क्वेश्चन होगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं कि लेस देन के लिए हमारे पास वैल्यू है एक्स प्लस टू और ग्रेटर देन के लिए आपके पास है सी प्लस टू। ठीक है, तो हम एक्स प्लस टू अब यूज़ कर लेंगे और जो सी प्लस टू है वो ग्रेटर देन के लिए वो राइट हैंड लिमिट में यूज़ करेंगे। लिमिट एक्स अपोजेस टू -1 नेगेटिव एक्स प्लस टू हमने लिख लिया, -1 प्लस टू आंसर 2 -1, मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके लिए -1 पॉजिटिव लिखा है, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अपोजेस टू -1 पॉजिटिव। आपको पता है कि अब हमारे पास इस इधर क्या हम यूज़ करेंगे सी प्लस टू, एक्स ग्रेटर देन के -1 के लिए हमें वैल्यू क्या दी हुई है सी प्लस टू, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में हमने क्या लेना होता है -1 पॉजिटिव, मतलब -1 से बड़े वाली वैल्यू। ठीक है, अब सी प्लस टू लिख लिया, सी प्लस टू, सी तो कॉन्स्टेंट है, उसको कोई इफेक्ट भी नहीं होगा, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है, सी ये अननोन है ना, क्योंकि कॉन्स्टेंट है जिसकी हमने वैल्यू निकाली है। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हमारे पास सी प्लस टू की, सी प्लस टू रहेगी क्योंकि उसमें एक्स के ऊपर लिमिट लगानी होती है, जब अंदर एक्स ही नहीं आ रहा तो हमारे पास हमने वैल्यू किसके ऊपर पुट करनी है, किसी के ऊपर नहीं, सी प्लस टू का सी प्लस टू। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमें क्या दिया हुआ है गिवन, क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट में देखेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती थी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो उसका मतलब है कि आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को यूज़ करते हुए एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल आ गए, यानी कि 1 लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू थी और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू थी कि सी प्लस टू, यहाँ से आप सी की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 -2 आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 1 -2, सी इज इक्वल टू -1, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एम एंड एन सो दैट द गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, आप सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एम एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन 3,
उसमें दो अननोन्स दिए हुए हैं, ठीक है, और एन है इफ एक्स इज इक्वल टू 3 और माइनस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू, के हमारे पास अगर लेस देन 3 है तो हम यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एम एक्स यूज़ करेंगे। एक्स इज इक्वल टू 3 कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 3 निकालनी होगी, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एन उसकी वैल्यू आएगी। इसी तरह हमारे पास माइनस 2x प्लस 9 कब आएगी, जब एक्स ग्रेटर देन 3 मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को समझ आ रहेगी साथ साथ। सॉल्यूशन है गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सबसे पहले जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है, जैसे पिछले जो क्वेश्चन था उसमें गिवन इन्फॉर्मेशन थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट इक्वल निकाल लेते थे, मतलब फंक्शन की लिमिट जो थी एग्जिस्ट करती है वो हमें दिया गया था, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल थी, हमने उसको लेकर सॉल्व कर लिया। अब फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है तो दोनों चीज़ें कौन सी होती हैं हमारे पास उसके लिए, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी वो लिमिट ऑफ द फंक्शन के इक्वल होंगी, दूसरा लिमिट ऑफ द फंक्शन किसके इक्वल होगी, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल। ये वही वैल्यूज़ हैं जो हमने मतलब यानी कि हम निकालने के लिए चेक करते थे, ये आपने याद रखनी है। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एक्स अपोजिट टू 3 पे चेक करनी है, 3 नेगेटिव ले यानी कि 3 लेस देन के लिए आपके पास क्या वैल्यू है, एक्स लेस देन 3 के लिए क्या दिया हुआ है आपको, एम एक्स दिया हुआ है, एम एक्स पुट कर दिया, एम इंटू हमारे पास एक्स की जगह क्या आ गया, 3 आ गया, 3 एम आ गई। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स ग्रेटर दैन 3 के लिए माइनस 2x प्लस 9, लिमिट एक्स अपोजिट टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अपोजिट टू 3 पॉजिटिव माइनस 2x प्लस 9 यूज़ करना है, क्योंकि हमें क्या है एक्स गिवन है लेस ग्रेटर देन 3 के लिए हम माइनस 2x प्लस 9, वो आपने पुट कर दिया माइनस 6 प्लस 9। सेम पैटर्न पर ऐसे आप वैल्यूज निकालते थे, राइट एंड लिमिट सॉल्व सिंप्लीफाई किया, आंसर क्या गया 3 आ गया। सिंस लिमिट एग्जिस्ट्स, क्योंकि फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो हमने कहा है कि लिमिट क्या करती एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था उसमें एक अननोन था और गिवन भी सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट करने का कहा था, इसलिए हमने यहाँ तक कि एक अननोन से, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस कहा हुआ है, कंटिन्यूस के लिए दो कंडीशन दोनों हम सेटिस्फाई करें, अननोन भी दो हैं तो हमें निकालने के लिए दोनों की जरूरत पड़ेगी वैसे भी, ठीक है। तो 3m इज इक्वल टू हमारे पास क्या गया, 3m किसकी वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट की, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 3 आ रही है, तो 3m इज इक्वल टू 3 यानी कि 3 दो जाकर डिवाइड हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, m की वैल्यू आपके पास है निकल आई। उसके बाद सिंस हमारे पास ये जो लिमिट एक्स अपोजिट टू 3 एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है 3 है, और एफ ऑफ 3 यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट 3 यानी कि जो आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 पे आपको वैल्यू क्या दी हुई है 9 दी हुई, यानी कि ये एफ ऑफ 3 की वैल्यू है आपके पास बेसिकली। जैसे लेस देन के लिए आपको एम एक्स दिया है, ग्रेटर देन के लिए माइनस 2x प्लस 9 है, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू कहाँ से देखते हैं, डायरेक्ट देखते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 3 पे क्या दी हुई है, वो क्या दी हुई है एम दी हुई है। और जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होती है यानी कि यहाँ पे 3m थी, एम क्या आ गया 1 आ गया, वो भी 3 है, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है 3 आ रही है, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन भी वही होती है ना हमारे पास, तो लिमिट एक्स अपोजिट टू 3 एफ ऑफ एक्स वो क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। क्योंकि तीनों ये देखिए ना स्टार्ट में लिमिट ऑफ द फंक्शन की वैल्यू कौन सी होती है जो राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आने पे उन दोनों की बनती है, तो वही हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अपोजिट टू 3 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अपोजिट टू 3 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, जो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की भी थी और लेफ्ट हैंड लिमिट की भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो वही हमने 3 इज इक्वल टू क्या आ गया एन आ गया, एन क्या थी एफ ऑफ 3 की वैल्यू, तो एम इज इक्वल टू 1 और एन इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है पहले वाले क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि पहले इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आया उसमें जो पीस वाइज फंक्शन की जो वैल्यूज दी होती थी वो मतलब हमें कैसे दी होती थी कि हमारे पास जो फंक्शन आता था उसमें कोई न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं था, मतलब रैशनल फंक्शन नहीं था, यानी कि एफ ओ एक्स ओवर जी ओ एक्स डिवीजन के फॉर्म में नहीं आ रहा था, रैशनल फॉर्म में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमें क्या दिए गए हैं, रैशनल फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि एफ ओ एक्स ओवर जी ओ एक्स की फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें जब रैशनल फंक्शन होता है उसमें हमने चेक करना होता है कि आया कि जो हमें फंक्शन की वैल्यू दी गई है कहीं फंक्शन उसके ऊपर डिस्काउंट मतलब वो 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही, इससे पहले कहीं पे भी ये मसला नहीं था। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो डैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, इसका मतलब अब देखें कि तो इसमें लेस देन और ग्रेटर देन नहीं दी हुई, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। उसके बाद हमें सिंपल हमने एक ही वैल्यू निकालनी है तो हम वही ट्रिक यूज़ करेंगे। अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं लिमिट एक्स अपोजिट टू 2, जब इस फंक्शन में एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है अनडिफाइंड, कैसे नीचे एक्स माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। तो जब लिमिट आप निकालेंगे, ठीक है, तो एक्स की जगह जब आप यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा,
यानी कि 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, लिमिट एक्स अपोजिट टू 2 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अपोजिट टू 2 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 7 ओवर एक्स माइनस 2। इसको आपने क्या करना होगा, अलजेब्रिक टेक्निक लगानी होगी। उसमें आप जैसे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स प्लस एच, माइनस या प्लस था बीच में, माइनस था आई थिंक, और अंडर रूट एक्स था। हमने क्या किया था, उसको रेशनलाइज किया था, उसको प्लस वाले से मल्टीप्लाई भी कर दिया था, डिवाइड इसको भी हमने ऐसे किया है, बीच में प्लस लगा के रेशनल फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई भी क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया, फंक्शन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो स्केयर आ गया माइनस, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने से अल्जेब्रिक टेक्निक से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने सारे सीखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे 2x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 7 बन गया, तो 2x माइनस एक्स और 5 माइनस 7 ये x माइनस 2 बच जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 2, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे जहाँ पे हमारा काम है बेसिकली 2 अंडर वन ओवर अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7, ये दरमियान में जो माइनस आ रहा था उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो उसी वजह से आंसर 0 ओवर 0 फॉर्म बन रहा था। अब जो ऐड हो रहे हैं, ठीक है, अब इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, आप लिमिट ऑफ द फंक्शन डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे, 1 ओवर अंडर रूट 9 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 9, 1 ओवर 3 प्लस 3, आंसर क्या आ गया, 1 ओवर 9 आ गया हमारे पास, सॉरी 1 ओवर 6 आ गया, 1 ओवर 6। लिमिट एक्स अपोजिट टू 2 एफ ऑफ एक्स की हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की निकालने की हमें वैल्यू की जरूरत भी नहीं है, लिमिट ऑफ द फंक्शन हमने डायरेक्ट निकाल ली है। एक तो हमें लेस देन और ग्रेटर देन के लिए अलग अलग वैल्यूज भी नहीं दी हुई थी। ठीक है, तो उससे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं थोड़े से, तो सिंस अगर वो हमें निकालने भी पड़ती तो उसके लिए हमें पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई ही करना था। ठीक है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, इसको तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2 पे जो आपको वैल्यू है वो क्या कहते हैं, एफ ऑफ 2 दी हुई है, और एफ ऑफ 2 आपको क्या दी हुई है, ये देखें के दी हुई है। ठीक है, तो यानी कि लिमिट ऑफ द फंक्शन की वैल्यू आपने 1 ओवर 6 निकाल ली है, फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, यानी कि लिमिट एक्स अपोजिट टू 2 एफ ऑफ एक्स लिमिट की वैल्यू है इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 मतलब फंक्शन की वैल्यू, दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो लिमिट की वैल्यू आपके पास 1 ओवर 6 है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू आप फंक्शन से देख सकते हैं आपको क्या दी हुई है, के इक्वल दी हुई है, तो दोनों की वैल्यूज आप पुट करेंगे तो के इज इक्वल टू क्या गया, 1 ओवर 6 आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये अननोन की वैल्यू निकल आई है, तो यही आपने यूज़ करना था, और उसके बाद ये हमारे पास चैप्टर ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, एमसीक्यूज पोर्शन करेंगे, एमसीक्यूज के हवाले से जो हमारे पास आते हैं, यानी कि एमसीक्यूज पोर्शन आता है सेक्शन 1 जो होता है हमारे पास, उसमें 20 के एमसीक्यूज आते हैं, तो हम पिछले पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज सारे मैं निकालने की कोशिश करूँगी जो मेरे पास निकल आते हैं, और इसके अलावा जो किसी की बुक से कंसल्ट करेंगे उसमें बनाए होंगे, मतलब बेसिकली आप ये क्या होता है, प्रैक्टिस के लिए होते हैं, जब आप उन सबको सॉल्व करना कर देते हैं प्रैक्टिस आ जाती है कि इस किस्म का क्वेश्चन हो तो आपने क्या करना है, इस किस्म का क्वेश्चन हो तो आपने क्या करना है, तो बाकी एमसीक्यूज जो अनसीन अगर आ भी जाते हैं तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, आपको हेल्प हो जाएगी। तो नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, स्टे होम स्टे सेफ, खुदा हाफिज़।